अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बनाऊंगी चिकन का वाइट कोरमा। इधर हमने चिकन लिया है 500 ग्राम में, थोड़ा सा कम है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ये साफ़ हो गया है बहुत अच्छे से। नींबू डाल के मैंने धोया है, नींबू का रस और नमक डाल के। आपके पास विनेगर हो तो आप विनेगर से धो सकते हो, बहुत अच्छा साफ़ होता है। कुछ हमने इधर मसाले ले लिया है, 5 हरी मिर्च है, 1 चम्मच छोटा खसखस है, ये थोड़े से काजू हैं, थोड़ा सा नारियल का बुरादा है। चलते हैं, सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ। प्याज को मैंने छील के रख लिया है, 3 मीडियम साइज के प्याज छील के रख लिया है। चलते हैं बनाना शुरू करते हैं वाइट कोरमे को। आप लोग बने रहना कंटिन्यू हमारे चैनल पे। देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया गया इसके ऊपर। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, क्योंकि वाइट कोरमा बना रही हूँ तो इसीलिए रिफाइंड में बना रही हूँ। अब इसमें प्याज डाल देती हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज काट के रख लिया है, ऐसे मोटे मोटे पीस में काट लिया है। इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है, हल्की सॉफ्ट हो जाए बस निकाल लूँगी। देखिए गाइस, प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, हल्का इसका कलर चेंज हुआ है, गोल्डन नहीं हुआ है पर एक हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब ये मिर्ची डाल देती हूँ, इसी में मोटी मोटी काट के पीस से दो कर रही हूँ। मिर्ची भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, काजू भी डाल देती हूँ इसी में। हल्के से मिर्ची जो मैंने डाला है वो काजू हल्का सा फ्राई हो जाए ऑयल में। बस ये सारी चीज़ें निकाल लूँगी एक बाउल में। खसखस भी डाल देती हूँ इसी में, हल्का सा भुन जाएगा ऑयल में। अब ये तैयार हो गया है, मुझे इतने सॉफ्ट करना था, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो इसका डार्क हो जाएगा कलर बिल्कुल। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये सारी चीज़ अच्छे से फ्राई हो गई है, प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, प्लेट में निकाल के रख लेंगे। देखिए गाइस, ऑयल हमारा गरम है, इसको हल्का गरम किए हैं, ज़्यादा गरम नहीं है। कुछ हमने खड़े मसाले ले लिए, गरम मसाले, ये डाल देती हूँ इसमें। देखिए गाइस, गरम मसाले हमारे हो गए हैं खड़े, जो मैंने डाला था दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, इलायची। अब चिकन डाल देती हूँ इसमें। चिकन मैंने डाल दिया है, मिला देते हैं अच्छे से, हल्का सा कलर चेंज हो गया। चिकन को मैंने भून लिया है 1 मिनट अच्छे से, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, अब इसे मिला देते हैं। अब 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ, 1 चम्मच मैंने लिया है, इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप लोग बाद में चेक करके भी डाल सकते हो, कम हो जाए तो। 1 चम्मच कूटा हुआ ब्लैक पेपर का ये पाउडर है, दरदरा सा कूटा है, डाल देती हूँ इसके ऊपर। लहसुन अदरक डाल के मैंने भून लिया चिकन को 1 मिनट अच्छे से। अब ये फेटा हुआ दही डाल लेती हूँ, ये मैंने 200 ग्राम का पैकेट लिया था, इसको फेट लिया अच्छे से। ये फेटा हुआ दही है, तो दही में अच्छे से मिला लेते हैं। दही में अच्छे से मिक्स हो जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए, तब तक के भूनेंगे इसको 1 से 2 मिनट। देखिए गाइस, चिकन को मैंने भून लिया है 1 से 2 मिनट अच्छे से। अब इसको ढक देती हूँ, गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। चलते हैं गाइस, मसाला पीस के तैयार करते हैं, जो मैंने फ्राई करके रखा है। देखिए गाइस, चिकन को चेक करते हैं, ये पक रहा है, चना के देख लेते हैं। चिकन हमारा गलना शुरू हो गया है हल्का हल्का, बोटियाँ छूटने लगी हैं हड्डियों में से। इधर मैंने पेस्ट बना लिया है काजू का, प्याज का, जो मैंने फ्राई करके रखा है। अब इसमें डाल देती हूँ, सारा पेस्ट डाल दूंगी अच्छे से। सारा पेस्ट मैंने डाल दिया है, अभी तेज पत्ता हटा देती हूँ, फ्लेवर इसमें आ गया है। अब इसके नीचे गैस को मैंने तेज कर दिया है, हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, ऐसे चला चला के धीरे धीरे बस भून लेते हैं ताकि अच्छे से भून जाए। मैंने काजू डाला, प्याज डाला है, वो भी अच्छे से भून जाए इसी में। चिकन हमारा गल लग जाना है, हाफ गला हुआ है अभी, ये जब तक पकेगा तब तक के और गल जाएगा। अब इसे छोड़ देते हैं, उबाल आने देते हैं इसमें। देखिए गाइस, चिकन को मैंने दूसरी कढ़ाई में पलट लिया था, वो कढ़ाई हमारी छोटी थी, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल बाहर छिटक रहा था, बड़ी कढ़ाई में मैंने पलट लिया है। अब ये पक के तैयार हो गया, साइड साइड में ऑयल छोड़ दिया, सारे किनारों पर तेल आ गया अच्छे से। इसकी ग्रेवी देख सकते हो आप, कितनी परफेक्ट बनी हुई है, बिल्कुल दानेदार ग्रेवी बनके तैयार हुई है। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। अब इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देती हूँ,
ये दूध की मलाई है, मैंने घर पे दूध गर्म करके मलाई निकाल लिया है, थोड़ा सा इसी में दूध मिला लिया है, दूध है मलाई है एक ही में मिक्स कर लिया है चम्मच से, डाल देती हूँ इसमें। आपके पास दूध की मलाई ना हो तो आप फ्रेश वाली क्रीम डाल सकते हो, पर क्रीम इसमें ज़रूर पड़ती है जब भी अच्छा लगता है वाइट कोरमा। जिसे मिला देते हैं, इसको क्रीम डाल के ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 मिनट और पका लेंगे, 2 मिनट के बाद बंद कर देंगे। बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, देखिए गाइस चिकन हमारा पक के तैयार हो गया है। थोड़ा सा गरम मसाला ले लिए हैं, 1/2 चम्मच डाल देते हैं इसमें। आपको ना पसंद हो तो गरम मसाला को स्किप कर सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ताकि इसमें खुशबू आ जाए अच्छे से। गैस को कर दूंगी बंद, ये बिल्कुल तैयार है, अभी आपको दिखाते हैं सर्व करके। मिला दिया अच्छे से, देखिए गाइस चिकन का वाइट कोरमा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना माशाल्लाह, इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप लोग ज़रूर बना के खाना गाइस एक बार। इसी तरीके से मैंने ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखा, गाढ़ी रखा है बिल्कुल। आपको पतली खाना हो तो आप दूध डाल के बढ़ा सकते हो, ग्रेवी पतली कर सकते हो, या पानी डाल दो या दूध डाल दो। मैंने इतनी गाढ़ी रखा है, गाढ़ी पसंद है, इसको चपाती के साथ नान के साथ खाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।